अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं K2 सहर बच्चों की दुनिया। मैं हूं मिशी खान और एवरी सैटरडे ये खूबसूरत शो विद लॉट्स ऑफ स्टोरीज़ और कार्टून्स और वीकेंड मूवी बच्चों के लिए हम लोग लेके आते हैं। सो आज का शो आप देख सकेंगे जिस टाइम पे देख रहे हैं, 9:30 से 11 बजे तक हम आपके साथ होंगे। और कल यानी संडे वाले दिन दोपहर को 3 बजे इस शो का रिपीट आता है। तो आज अगर आपसे मिस हो जाता है तो जितने बच्चे और उनके वालदैन भी देखते हैं तो वो कल यानी इतवार वाले दिन दोपहर को 3 बजे इस शो का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। मैं आपके साथ होती हूँ, लेकिन मेरे साथ होती हैं प्यारी सी बतूता। अस्सलाम वालेकुम बतूता। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग शियापी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? सब खैरियत है? वेरी नाइस, जबरदस्त। और बच्चों आप लोग भी उठ जाएं, जाग जाएं, सुबह 9:30 है, छुट्टियाँ हैं, लेकिन हमारा शो जो है वो आपके लिए काफ़ी सारी कहते हैं ना मज़ेदार एंटरटेनमेंट लेके आता है। तो आज के शो में भी बहुत ज़बरदस्त आपके लिए लाइनअप है। आपको शुरू में बता दूं, सबसे पहले आपको दिखाएंगे लेजी गर्ल यानी सुस्त लड़की स्टोरी दिखाएंगे, कार्टून है फिर लूनी ट्यून्स रोड रनर, पोएम दिखाएंगे रंग बिरंगे सितारे, उसके बाद DIY यानी जो डू इट योरसेल्फ में आपको चीज़ें सिखाते हैं ताकि आप जो है बिज़ी रहें और क्रिएटिव बने, वो है पेपर गिफ्ट बैग, जो कि गिफ्ट बैग आप लोगों को देते हैं। साथ में शॉर्ट फिल्म आज दिखाएंगे द प्रेजेंट यानी तोहफा, तोहफे जो है द प्रेजेंट की शॉर्ट फिल्म है। मूवी दिस वीकेंड जो आप बच्चों को हम रेकमेंड करेंगे वो है ज़ूटोपिया। एंड लास्ट में आपको सॉन्ग दिखाना है रंगों में जब रंग मिलें। तो आज की लाइनअप आपको मैंने बता दी है क्या क्या होगी। और सुनाएं बतूता कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मिशी आप ही क्या करें, ये तो गर्मी तो जा ही नहीं रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या करें हम इसका हल, क्या करें? गर्मी है, ऊपर से जो हब्स है यानी ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ है कि आप बैठते हैं तो एकदम नहा के निकलते हैं तो एकदम से पसीना आ जाता है। सोचो माय गॉड, पता है आपको मिशी आप ही मेरे उधर नया वाला फ्रॉक पहना, लेकिन फिर मुझे पसीना आ गया तो वो ना फ्रॉक जो था ना वो अम्मी के सूट में से कपड़ा बचा हुआ था ना उसका हमने सिलवाया था ना, हमने कहा थोड़ा सा कफाया शारी का मुजाहरा करना चाहिए। वेरी नाइस, लेकिन वो उसका कलर उतर गया सारा मेरे मुंह पे लग गया। ओ नो। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि अगर पसीना बहुत आ रहा है तो अगर वो रंग जो है कपड़ा छोड़ता है तो उनके बॉडी पे रंग आ जाता है। तो कोशिश किया करें बच्चों को कॉटन, प्योर कॉटन या मिक्स कपड़े ना पहनाया करें, उससे उनको जो है स्किन का भी इशू हो सकता है। तो कोशिश करें कॉटन के कपड़े पहने, क्या ख्याल है आपका? और पता है ना आना भी वैसे चाहिए तकरीबन रोज ही, और उसके अंदर वो एंटीसेप्टिक डालते हैं ना वो बहुत जरूरी है, वरना आपको दाने निकल सकते हैं, गर्मी से खारिज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं अपनी आप हाइजीन का यानी सफाई सुथराई का ख्याल किया करें, टूथब्रश किया करें सुबह उठ के, और उनके वालदैन भी उनको रूटीन में बताया करें कि जब भी बच्चे सुबह उठें तो सबसे पहले अपना बिस्तर बनाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जो कामयाब इंसान होता है वो होता है फिज़िकली एंड मेंटली, जो सुबह अपना बिस्तर बना के घर से अगर निकलेगा तो वो ऑर्गेनाइज्ड भी है, वो दुनिया में बहुत रिलैक्स तरीके से काम भी कर सकेगा। आप बनाती हैं सुबह उठ के अपना बेड? हाँ, मैं सुबह रोज अपनी कॉपी पेंसिल लेके उस पर प्यारी सी बिस्तर की तस्वीर बनाती हूँ। नहीं जब नहीं वो तो तस्वीर बनाती है, लेकिन जब आप उठती हैं तो अपना बिस्तर जो है वो बनाती हैं, मतलब तकिया। हाँ मैं सुबह उठती हूँ तो सर्दियाँ होती हैं तो मैं अपना लिहाफ अच्छे तरीके से तय करके उसको बेड के किनारे पे रखती हूँ, लेकिन आजकल तो गर्मियाँ ना तो हम वो पतली सी चादर लेके सोते हैं, उसको मैं तय करके अच्छी तरह साइड पे रख के ऐसे, और अपने तकिए को ठीक से अच्छी तरह ठीक से वैसे ऐसे करके ना खुश खुश करके तो वो फिर बिल्कुल बेड नया जैसा हो जाता है, वो रखती हूँ। और उसके साथ फिर जो वो जो आप कहते हैं ना कि जो हमारे जो साइड पे कुशन्स होते हैं प्यारे प्यारे, मैंने स्माइली वाले कुशन लिए थे ना वो भी सेट करके रखती हूँ, बड़ा प्यारा मेरा बेड लगता है सुबह सुबह। वेरी नाइस। तो बच्चों जब भी आप सुबह उठें अपना बिस्तर बनाएं, तकिए ठीक रखें, जो बिस्तर में सिलवटें चादर पे होती है उसको सही करें, अगर आप चादर लेते हैं आपके कमरे में एसी है तो छोटा सॉफ्ट ब्लैंकेट लेते हैं उसको अच्छी तरह तय करें, उसके बाद अपने घर का काम या जो भी आपने करना है, आपने पढ़ाई करनी है या आपने अपना जो है टूथब्रश करना है, उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले बड़े के बड़े लोग भी अगर देख रहे हैं जो कि घरों में ऑब्वियसली सोते हैं तो सुबह उठ के अपना बिस्तर, अच्छा कुछ लोग हैं कि बिस्तर बगैर बनाए हुए तैयार होते हैं और उसी तरह बिस्तर छोड़ के ना वो काम पे चले जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं या लेडीज़ जो है वो जो काम करती हैं वो चली जाती हैं, तो बैक ऑफ द माइंड इस चीज़ का बहुत असर होता है, इससे आप बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब्ड रहते हैं मेंटली, सो घर से हमेशा बिस्तर बना के निकलें। मेरी बात याद रखें, आपको बहुत फर्क महसूस होगा, है ना बतूता? हाँ, और फिर आप जब शाम को घर जाते हैं और अपना घर का साफ सुथरा देखते हैं, कितनी आपको खुशी होती है फिर। मतलब देखिए ना, फिर अगर आप थके हारे घर जाते हैं और आपका बिस्तर उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो वैसे ही थकावट जो है वो और डबल हो जाती है। फिर आप करते ही नहीं, फिर द थिंग गोज ऑन एंड ऑन, और मेस क्रिएट होना शुरू होता है, और फिर वो ऐसा मेस हो जाता है कि वो आपके उससे जो है ना हाथ से बाहर निकल जाता है। सो अब जो है बतूता, हमने दिखाना है लेजी स्टोरी, जो आज लेजी गर्ल, देखे ना, लेजी गर्ल की स्टोरी है आज, यानी सुस्त लड़की। सुस्ती जो है बड़ी गलत बात है, चुस्त रहें, तबाना रहें, काम करें। सो चल के देखते हैं क्या लेजी गर्ल, लेजी गर्ल, लेजी गर्ल की स्टोरी, सुस्त लड़की। सो 1 2 3 4 नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आपने जबरदस्त स्टोरी देखी सुस्त लड़की यानी लेजी गर्ल की। कैसी लगी आपको बतूता? कितने अच्छे इसके अंदर सबक थे मिश्रा, अभी देखे ना, दोनों बहनें होती हैं, एक अच्छी बच्ची होती है और एक बुरी बच्ची होती है, यानी कि गंदी बच्ची होती है, तो बात नहीं सुनती होती, और दूसरी वाली अच्छी बच्ची होती है, अपने अम्मी अब्बू की बात मानती है, तो देखे ना कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद मिलती है, और फिर वो जितनी भी लाइफ के अंदर तरक्की है, सक्सेस है, सारी उसको मिल जाती है। ज़बरदस्त। और इसी तरह उर्दू में भी एक स्टोरी थी अकबरी और अजगरी की, मरातुल रूस उस बुक का नाम था, जो कि सारी लड़कियों को कहा जाता था कि उन्होंने पढ़नी ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे उसमें एक जो है बहुत सलीका शार होती है, एक बिल्कुल फुअड़ होती है। ये जो कंपैरिजन है, मुझे लगता है ये कंपैरिजन भी कैसा लगता है आपको, ये ठीक है कंपैरिजन? मतलब के अच्छी और बुरी चीजों का कंपैरिजन, हाँ, तो उससे हमें फर्क पता चलता है ना, फर्क पता चलता है। हाँ। लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों, कुछ बच्चों का या लड़के लड़कियों का जो पोटेंशियल है वो उस चीज़ में नहीं होता जिसमें हम चाह रहे होते हैं कि वो घर के काम करें, और ये कुछ जैसा, मुझे सिलाई कढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं, लेकिन मेरी एक और दोस्त है वो बैठ के आराम से गोटा भी लगा लेगी, वो लेसेस भी लगा लेती है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड उसमें है। मेरा एप्टीट्यूड सिलाई कढ़ाई में नहीं है। तो कभी कभी हम लोग लगता है एक्सपेक्ट भी करते हैं कि एक बंदा सारे काम उसको आने चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। पता है, जैसे कि मुझे तो ड्राइंग करने का शौक है, तो मैं तो चाहती हूँ कि फिर मैं बड़ी हो जाऊँ, मैं अच्छी सी पेंटर बनूँ, अच्छे से स्केच बनाऊंगी, तो फिर ये तो सिलाई तो मुझसे नहीं होगी, बाकी आप ठीक आ रही हैं तो। बिल्कुल। अरे मैं जितने वालदैन देख रहे हैं अपने बच्चों के, कभी कभी उनको जो हम पुश करते हैं कोई ऐसी चीज़, जिस तरह अगर इनको बतूता को पेंटिंग का शौक है, किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक नहीं होगा, लेकिन आप उसको पुश करेंगे, नहीं तुम अच्छा पेंटिंग कर सकते हो, ट्राई करो ट्राई करो, तो उसका एप्टीट्यूड वो नहीं, प्रॉब्ली शायद वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। चाहे एक बच्चे को आप कह रहे हैं कि वो जो है कुकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, उसको शेफ बनना चाहिए, लेकिन उसका एप्टीट्यूड जो है वो गार्डनिंग में है या किसी और फील्ड में है। तो ये भी देखा करें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, उसको प्रमोट करें। कभी कभी ज़बरदस्ती हम लोग अपनी वो जो डिसीजंस जो हैं बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं, उसकी वजह से फिर बच्चा उस वक्त तो कर लेता है, लेकिन आगे जाके उसमें एक्सेल नहीं कर सकता, यानी उसमें कोई नाम नहीं कमा सकता, यानी कि तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपनी जो चॉइस है या अपनी मर्जी की चीज़ है वो उस पर इम्पोज की हुई होती है। ये सही बात है, मतलब रुझान, रुझान, हाँ, रुझान, तो जिस बच्चे का रुझान जिस तरफ हो उसमें उसको जो है इनकरेज करें, उसको उसका साथ दें, उसे कहें हाँ बेटा ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब कोई डॉक्टर फर्ज़ के साइंस का सब्जेक्ट हर बच्चे को नहीं पसंद है, तो वो आर्ट्स में भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें वो जा सकता है। क्या कहती हैं आप? कहते हैं कि मैं आर्ट्स में सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा मैं चाल का मचाऊंगी, यानी कि मैं अच्छे अच्छे स्केच करूंगी। आपको पता मिशी आप ही वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नक्शे ही बनाते हैं, रुझान आपका है उस तरफ क्रिएटिव साइड पे। अब मैं आपको कहूँ कि नहीं बतूता आपने डॉक्टर बनना है, तो फिर आप मेरे कहने से या प्रेशर में आके बन तो जाएंगी, लेकिन फिर आगे जाके शायद आप मरीजों को, हाँ मतलब मरीजों को उस पैशन से ना देख सकें या उनको ट्रीट कर सकें जिस तरीके से जिस एक बच्चे को शौक है डॉक्टर बनने का, यू नो शौक होना जरूरी है हर फील्ड में आने के लिए। क्या कहती है? जो ग्रामर होती है? नहीं, शौक का मतलब है इंटरेस्ट। ओ, इंटरेस्ट,
हाँ बिल्कुल, जिनमें इंटरेस्ट है उसके अंदर आप काम करें, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में जाने से पहले अब हमने दिखाना है, मुश्किल बातें हमने काफी की हैं, कार्टून दिखाना है। ओ, कार्टून है ना मेरा फेवरेट कार्टून है, लूनी ट्यून्स रोड रनर। तो चल के देखते हैं रोड रनर, देखते हैं लूनी ट्यून्स में। सो 1 2 3 लेट्स गो। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं लूनी ट्यून्स में। आपने कार्टून देखा रोड रनर बतूता, वाह पीप पीप करके चुप करके साइड से निकल जाता, पता ही नहीं चलता किसी को, है ना, एकदम से आता है और ब्रूम करके चला जाता है। सो आई होप आपको पसंद आया। और बच्चों के हवाले से मैं ज़रूर ये कहूँगी, जितने वालदैन देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटस से उनका ताल्लुक है, जहाँ जहाँ हमारा ये शो देखा जा रहा है, कि प्लीज़ आप लोग घरों में छोटे बच्चों को मुशक्क़त और काम के लिए नौकरी पे मत रखा करें। ये बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर लॉज हैं और इन लॉज़ को इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि किसी घर में किसी बच्ची, छोटी बच्ची से या बच्चे से मुशक्क़त या घर का काम या इस तरह का बड़ों का काम करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ उस बंदे को या उस फैमिली को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है कि आप छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है अपने घरों में जो है रखते हैं, उन पे जुल्म करते हैं फिर। और इसी हवाले से अभी जो एक केस हुआ, जो बच्ची छोटी 13-14 साल की रिजवाना, उसके ऊपर बहिमाना तशद्दुद किया गया और उस बेचारी वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, इतनी छोटी बच्चे, अगर आप लोगों का बच्चा है इतना या बच्ची छोटी है इतनी, तो अपने बच्चे तो आप लोगों ने रखे होते हैं घर में, वो इजी इन्जॉय कर रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, फूड पैंडा से मंगा रहे हैं खाने, और किसी और की बच्ची जो के या बच्चा जो के अगर चले मजबूर हैं या काम के लिए, तो आप उनसे इतनी मशक्क़त घर में करवाते हैं। फिर अगर वो काम, एक बच्चे को काम की समझ नहीं है, फिर उससे कोई गलती हो जाए या उससे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिस वो नहीं उसको पता, तो फिर वहाँ जो खातून है या वहाँ के जो भी घर वाले हैं, वो उस पे को मारते पीटते हैं, उसको डंडों से मारते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मेरा बहुत दिल था कि बच्चों के शो में ही मैं इस पे बात करूं। और बतूता, ये बड़ी दुख की बात है जो बेचारी रिजवाना के साथ हुआ। पता मिशी आप ही, मैंने जब वो न्यूज़ देखी ना, वैसे तो हम न्यूज़ नहीं देखते, लेकिन वो चूँकि छोटी लड़की थी, तो मैंने ना दो तरीके से सोचा। मैंने कहा देखे, एक तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उन बच्चों को कि जिनके पेरेंट्स उनके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं और उनको घर पे उनको सेफ करके रखते हैं और उनके साथ अच्छा अच्छा सलूक करते हैं। और इस तरह के जो बेचारे बच्चे जो हमें नज़र आते हैं ना, ये आप सूखी रोटियाँ जमा करने वाले होते हैं या चाय वगैरह बेच रहे होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, उनको काम नहीं करना चाहिए। उनकी तो पढ़ाई की उम्र है मिशी आप ही, उनकी खेलने कूदने की उम्र है। और अगर फ़र्ज़ करें किसी से इतनी गलती हो जाती है, कौन सा इतनी कोई बड़ी चीज़ हो जाती है कि अगर एक काम आप, एक तो गलत काम आप लॉ के खिलाफ एक बच्चे को घर में रख के, एक छोटी बच्ची को, बच्चे को उससे फिर मशक्क़त करवाते हैं, घर के काम करवाते हैं, और फिर उस बेचारी या बेचारे से कोई गलती हो जाए तो आप उसको डंडों से मारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं और उसको खाना नहीं देते और उसको भूखा रखते हैं और उसको जुल्म करते हैं। ये चीज़ याद रखें, जो आप किसी के बच्चे या किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, वो आपके ऊपर भी आएगा, या आपकी बीमारी की सूरत में आएगा, या किसी तकलीफ़ की सूरत में आएगा, या आपके बच्चों के तकलीफ़ की सूरत में आएगा। तो प्लीज़ किसी के बच्चों के साथ इस तरह जुल्म ना किया करें। आप लोग अपाहज नहीं हैं, आप लोग ख़ुद घर में काम कर सकते हैं। और ऐसा कौन सा काम है जो कि आप लोग ख़ुद नहीं कर सकते, जो आप छोटे बच्चों को घर में रख के उनसे काम करवाते हैं? तो ऐसे लोगों को शर्म से डूब के मरना चाहिए कि वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बहुत दुख है बतूता, उस बच्ची का क्या हाल है बेचारी, वो आईसीयू में इस वक्त पड़ी है, इतना उस पर तशद्दुद हुआ है। सोचे, मैं अल्लाह मियां से दुआ करती हूँ, और सारे छोटे छोटे बच्चे जितने भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सब अल्लाह मियां से दुआ करें कि अल्लाह मियां जल्दी से उसको सेहत दे दे। और प्लीज़ जितने भी ये बड़े बड़े आंटी अंकल देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस तरह मत किया करें, छोटे बच्चों को फूलों की तरह रखें, बचाइए कि आप उनके साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादती करें। बिल्कुल। और अगर आपको इतना ही है कि आपके घर में कोई ऐसा, तो उनको ऐसा छोटा काम दें जिसे वो आपके बच्चों के साथ भी बैठ के पढ़ें, उसकी भी कोई ग्रोथ हो, कोई ऐसा आसान सा कोई काम दें। ये क्या मुश्किल मुश्किल काम, बड़ों के काम जो है आप लोग घर में बच्चों से करवाते हैं और फिर उन पर जुल्म करते हैं। सो ये मैंने बात ज़रूरी करनी थी बतूता, सॉरी बतूता का नाम ही भूल गई, बतूता, बतूता
सो अब ऑन दिस नोट ये हमारा मैसेज था, सोशल मैसेज था बच्चों के हवाले से। सो ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। अब हमने आपको पोएम सुनानी है, रंग बिरंगे सितारे। हाँ, रंग बिरंगे सितारे, जैसे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, इसी तरह रंग बिरंगे सितारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चा जो है वो फूल होता है, वो इस दुनिया में एज एन एंजल आता है, और उसके उसके उतना ही प्यार करना चाहिए, चाहे आपके बच्चे हों या किसी और के हों, या वो अगर इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, कोई बात नहीं है, सारे बच्चे जो है वो सबके बच्चे होते हैं। सो ऑन दिस नोट चल के हम देखते हैं पोएम रंग बिरंगे सितारे। ओके, वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं और आपने देखी ज़बरदस्ती पोएम रंग बिरंगे सितारे। कैसी लगी आपको बतूता? मुझे तो बड़ा ही मजा आया, उर्दू की पोएम मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, बहुत मजा आया इसके अंदर। देखे कितनी सारी कलर्स की बातें हुई ना, हमने कलर भी सीख लिया और स्टार्स के बारे में भी सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, कलर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने कलर्स हैं और कौन कौन से कलर को मिला के कौन सा कलर बनता है। हाँ। अच्छा ये मुझे बताएं, रेड और येलो को मिला के कौन सा कलर बनता है? रेड और येलो, हाँ, ऑरेंज। ये वेरी नाइस, जबरदस्त। और येलो और ब्लू को मिला के क्या कलर बनता है? येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन। ये वेरी नाइस। और ये बताएं कि येलो येलो और ग्रीन को मिला के क्या बनता है? येलो और ग्रीन को मिला के वो तो ब्राउन बन जाता है। आप लोग जब पेंटिंग करते हैं तो आप लोग कलर मिक्सिंग किया करें कि कौन सा कभी कभी कोई यूनिक कलर बन जाता है। व्हाइट और ब्लू को मिला के क्या बनता है? वो तो लाइट ब्लू बन जाता है। यस, देखे ना, स्काई वाला कलर, स्काई जो पाउडर ब्लू होता है, बहुत जबरदस्त कलर होता है, तो वो बन जाता है। तो आप लोग जब भी जो पेंटिंग का जिनको शौक है वो लोग जो है वो कलर्स को मिक्सिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कलर कैसे बनता है। और सबसे हम रेड के अंदर व्हाइट मिलाते हैं तो पिंक बन जाता है। यस, वेरी नाइस। तो अब जो है हमने अपने दो प्यारे दोस्तों को भी खास सलाम करना है, क्योंकि वो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं। प्यारे सर नीमो, अस्सलाम वालेकुम, एंड नौशरवान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नीमो और नौशरवान? हाउ डू यू डू डस डू? हाउ डू यू डू डस डू? डस डू, हाउ डू यू डू डस डू? कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं। और हमारा आज खास सलाम है, सर कामरान भी आज हमारा शो देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल बहुत पसंद करते हैं शो को, तो उनको भी हमारा खास सलाम, एंड सर लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर कोई मज़ेदार सी चीज़ें बना के बतूता और मैं जाएंगे और उनके साथ हम लोग ना वो मज़े की चीज़ें इंजॉय करेंगे। बड़ा मजा आएगा, पता है, साथ हम खुद भी खा रहे होते हैं, साथ वो भी खा रहे होते हैं, साथ हम बातें भी कर रहे होते हैं, साथ हमने उनको कहानी भी सुनाई थी, आपको याद है मिशी? आप ही एग्जैक्टली, अकलमंद भैंसा वाली। अकलमंद, अकलमंद भैंसा, अकलमंद भैंसा, मतलब अकलमंद, अकलमंद बुफालो, इंटेलिजेंट बफलो, इंटेलिजेंट बफलो। यस, अच्छा बच्चों बुफालो कभी ना कहा करें कि इंटेलिजेंट बुफालो, बफलो काओ एंड बफलो, क्या कहेंगे? काओ एंड बफलो। और भैंस का जो मेल उसको क्या कहेंगे? उसको बफलो ही कहेंगे ना? नहीं नहीं, उर्दू में, उर्दू में भैंसा। अच्छा ये एक वर्ड है भैंसा, पंजाबी में वो कट्टा, वो तो कट्टा तो हुआ होता है ना, वो जो उसका बेबी होता है, कट्टा बेबी होता है, है ना, बेबी होता है, बेबी होता है, इसको ज्यादा पता है अक्रम को। और कट्टे का फीमेल क्या होगी? कट्टी। हाँ जी, कट्टी। एक ये भी कहते हैं ना, टिंग कट्टी कर ली हमने, और इसमें भी कहते हैं ना, पुगम की पुगाई भी करते हैं ना हम जब गेम्स खेलते थे ना, पुगम की पुगाई कर लो, पुगम यूं किया यूं किया, जिसके ये वाला हैंड आया तो सिंगल आया तो वो जीत, है ना? हाँ, वो जी, जिसका उल्टा आता था वो हार जाता था। बिल्कुल। तो अच्छा आपको कौन सी गेम्स पसंद है बतूता? मुझे तो वो जो इलास्टिक से नहीं खेलते किश, मुझे बड़ा मजा आता है उसके अंदर, हम जो छलांगे मारते हैं ना इधर उधर। और एक बड़े मजे की गेम है, हम लोग खेलते हैं खो खो। खो खो भी है, बर्फ पानी भी है। हाँ। और एक और भी है पिट्ठू गरम। पिट्ठू गरम, हाँ, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पता, हमारा एक गमला टूट गया था ना लॉन में।
तो वो ना मेरे जो अंकल है ना, उन्होंने उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऐसे वो ठीपड़ियां बना दी, ठीपड़ियां। हाँ, फिर वो हमें से गेंद मारते थे और फिर हम दौड़ते थे और फिर बड़ा मजा आता था। बड़ा मजा आता था, मुझे याद है वो बना के ना गमला, स्पेशली टूटा हो तो फ्लैट होते है ना, उसके साथ हम लोग ऊपर रखते थे और उसको बॉल मारना होता था। हाँ। बॉल मार के फिर भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग, और फिर वो हमने पूरे उसको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 9 10 तक पूरे करते थे और जब हम कर लेते थे हम जीत जाते थे। बिल्कुल। और एक और गेम थी बर्फ पानी, बर्फ पानी जो होता है बर्फ ऐसे खड़ा हो जाता है। हाँ। जिसको कहते हैं स्टैचू वाली गेम, स्टैचू वाली। तो वो जरा सा हमारा लोकल, हमारी लोकल गेम्स बड़े मजे की थी। आप लोगों को भी बच्चे, ये बच्चे देख रहे हैं इनको तो पता ही नहीं होगा, सारे अंग्रेजदान होंगे, वी डोंट नो व्हाट इज दिस सेइंग। तो ये हमारी लोकल गेम्स हैं, इनका भी वालदैन जो है उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये हम लोग ये खेलते थे, है ना। और गुल्ली डंडा भी खेलते थे मेरे। गुल्ली डंडा और गोलैल, लेकिन वो बड़ी डेंजरस होती है गुलेल। हाँ, लेकिन बता, मेरी अबू ने मुझे कहा था कि उससे सिर्फ अगर आपने कोई फल वगैरह तोड़ना तो फिर तो निशाना लगाओ, लेकिन उससे जानवरों या परिंदों का निशाना नहीं लगाना। प्लीज जानवरों परिंदों को प्लीज तंग नहीं किया करें बच्चों, बहुत गुनाह मिलता है, अल्लाह ताला बहुत गुनाह देते हैं। सो अब हमने नेक्स्ट जाना है DIY यानी डू इट योरसेल्फ में। गिफ्ट बैग आप लोग देते हैं ना, इतने महंगे हो गए, इससे बेहतर है बच्चों, जो बच्चे और इवन बड़े जो है वो ये आइडिया घर में देख लें, आराम से पेपर बैग बनाएं, और गिफ्ट अगर देना है तो हैं वो कहें बल्कि कि मैंने खुद पेपर बैग बनाया है, गिफ्ट पेपर बैग। तो वो चल के देखते हैं DIY में, उसके बाद वापस आते हैं। सो 1 2 3 चलो भाई, चलो चलो चलो। वेलकम बैक। आपने देखा DIY में गिफ्ट पेपर बैग बनाने का तरीका, वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। और ये जो गाना है ये जॉन ट्रावोल्टा पे पिक्चराइज हुआ था, मूवी का नाम था सैटरडे नाइट फीवर। बी जीज तो सुपर हिट थे, ये अपने जॉन ट्रावोल्टा अपना एक वो डांस था उसके लिए बहुत मशहूर, आज तक उसको व्हाइट सूट पहना हुआ था और उसने ये वाला स्टेप किया था। अगर मेरे कैमरा टीम जो है जरा मेरा हाथ बाहर निकल गया तो मैं जरा दिखा दूँ, थोड़ा पीछे करें, वेरी गुड। ये वाला स्टेप था, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको पेपर बैग जो है, गिफ्ट पेपर बैग बनाने का तरीका? पता आपको मिशियापी, मैं वही सोच रही थी कि आजकल तो गिफ्ट पे जो ये हम देते हैं ना, गिफ्ट से ज्यादा महंगे हो गए ये पेपर बैग। वेरी नाइस, घर पे ही बना सकते हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो सौ रुपए का हो गया, तो आप घर में बना ले तो ज्यादा अच्छा नहीं है बच्चों? और फिर उस पे ये कि जब आप अपना नाम लिख के देंगे कि भाई मैंने क्रिएट किया, मैंने बनाया, तो फिर तो ये कहता हो तो मोहब्बत और बढ़ जाती है। बिल्कुल, हैंडमेड चीजों की वैल्यू जो है वो जिसको भी आप देंगे उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी, है ना। मायने यानी के मतलब मीनिंग रखेंगे, मीनिंग ऑफ लाइफ। यस, जिंदगी का मकसद। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मकसद ये है कि जिंदगी में अभी मैंने बड़ा होना है। हाँ। और कब होंगी बड़ी? आप तो इतने अरसे से हम लोग ये शो कर रहे हैं, बड़ी हाँ। नहीं हो रही आप? पता नहीं, वो कहीं पे ना मुझे लगता है कि वो फुल स्टॉप लग गया थोड़ी देर के लिए, है ना। हाँ। लेकिन मैंने आज आपकी जो मुझे बड़ी पसंद आई आपकी शर्ट येलो कलर की, बहुत प्यारी आपने पहनी है, वेरी नाइस। मैं तो हर प्रोग्राम में यही पहनती हूँ। रोजाना पहनती है? हाँ जी। क्यों? नहीं, मुझे अच्छी लगती है ना येलो कलर की शर्ट, बहुत मुझे पसंद कर। पता आपको येलो कलर जो है ना दूर से रिफ्लेक्ट होता है, दूर से नजर आता है। दैट्स ट्रू। अच्छा, आप मुझे याद आया कि गाय भैंस को एक और चीज भी कहते हैं, मज। हाँ, मज। और वो हम वो अंकल अकाम बता रहे थे मेरी दिमाग में सुई उधर ही फंस गई है। मज कहते हैं, भैंसा कहते हैं, भैंस कहते हैं, गाय। अच्छा, गाय का, गाय के मियाँ का क्या नाम होगा? उनका भैंसा ऐसा ही होगा ना, क्या डांग, ये क्या दांत, दाल, वो तो डंडा नहीं होता वो एक अंकल अक्रम भी बता रहे थे, वो अंकल अक्रम क्या बता रहे थे? संडा। माय गॉड नाज़रीन, कितने वियर्ड नाम है संडा। ये किसको, ये सींग वाले को बोलते हैं?
अच्छा जो सींग वाली सींग वाला भैंस भैंसा होता है उसको संडा कहते हैं, तो उसकी वाइफ को क्या कहेंगे? संडी, सिंडी क्रॉफर्ड हो जाएगी। किस गुफ्तगू में नाजी कभी कभी होता है कि वी यू नो गेट इनटू दैट मूड, बट सो सॉरी, ये अल्फाज हैं, अब ये जानवरों के नाम हैं, अब हमने खुद से नहीं बनाए, लेकिन आस्ते आस्ते याद आ रहे हैं क्योंकि हम उसकी डिटेलिंग में घुस गए हैं। हाँ, ये हमारी कौमी कितनी सारी जबानें हैं उनके अंदर इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत देखिए हमारे मुल्क में ये ना समझें कि चंद जबानें बोली जाती हैं, मोर देन 70-80 जबानें बोली जाती हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज में। ये आपको हैरत होगी, हमें सबका पता भी नहीं है क्योंकि हम पता नहीं करते, हम जो है ना रिसर्च नहीं करते, हम अपने मुल्क के बारे में अपने कल्चर के बारे में जानते नहीं हैं। हम लंदन पहुंच जाते हैं या हम दुबई पहुंच जाते हैं, वहां से बस शॉपिंग करके बस दुनिया में क्या हो रहा है, अपने मुल्क में तो पहले देखें क्या हो रहा है, कौन कौन सी ज़बानें, इतना रिच कल्चर है हमारा, है ना? रिच कल्चर यानी कि बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी यहाँ पे सकाफतें हैं, है ना? तो सकाफतों में एक आ जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का जो कल्चर है, उनका अलहदा कल्चर है, बिल्कुल पख्तून कल्चर है। फिर आप बलूचिस्तान चले जाएं तो वहाँ पे बलोचों का, बरावी, वहाँ पे बड़ी जबानें बोली जाती हैं, वहाँ पे अपना उनका कल्चर है, राइट? फिर आप सिंध में चले जाएं तो वहाँ का अलहदा कल्चर है, सिंधी, सिंधी। और फिर आप चले जाएं पंजाब में, उनका टोटली डिफरेंट कल्चर है, पंजाबी, है ना? और फिर आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो वो टोटली डिफरेंट एरिया है पूरा। So imagine the kind of diversity हमारे मुल्क में है लोगों की, है ना? हमारे मुल्क में नहीं, ये तो खैबर नेटवर्क में भी है, पता है कितने सारे लोग उधर ही आ रहे हैं, पाकिस्तान से ही हैं। आपको पता अंकल अक्रम भी सिंध से हैं? अंकल अक्रम सिंध से हैं? तुंजो नालो छाए मुंजो नालो अक्रम आहे, वेरी नाइस, जबरदस्त। अक्रम जो है सिंध से। अब हमारा जो खैबर नेटवर्क है दैट कंप्राइजेज ऑफ K2 TV, खैबर टीवी, खैबर न्यूज़, उसके अलावा हमारे वेब चैनल्स हैं, उसके अलावा हमारा यूट्यूब का चैनल है, लेकिन ये जो तीन है इसमें एक गुलदस्ता है कि पख्तून भी काम कर रहे हैं, सिंधी भी काम कर रहे हैं, बलोची भी काम कर रहे हैं, पठान भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा मैं जिस तरह उर्दू स्पीकिंग हम लोग भी काम कर रहे हैं। सो इट्स अ होल डाइवर्सिटी, है ना? नोट किया ओके, आपने नोट किया? पंजाबी भी काम कर रहे हैं। मैं ते पूरा नोट किता काफी पेंसिल लेके के कितने सारे लोग ये थे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर पोठोहार से जिनका ताल्लुक है वो काम कर रहे हैं, फिर हिंदको स्पीकिंग वो काम कर रहे हैं, मतलब इसीलिए हमारे चैनल को मल्टीलिंगुअल चैनल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सब जबानों का कोई ना कोई शो आता है जरूर, है ना? और पूरे पाकिस्तान में हमें देखा जाता है इस तरह। सो वी रिप्रेजेंट खैबर नेटवर्क रिप्रेजेंट्स द कह रही हूं खैबर नेटवर्क रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, ये नहीं कि सिर्फ 3-4 शहरों को हमने टारगेट किया हुआ है, पूरा पाकिस्तान लेके हम लोग चलते हैं पूरा साल, कितना मजा आता है। हाँ मिशी, आप ही मुझे याद है पाकिस्तान से, आपको पता है कि जो हमने नेक्स्ट प्रोग्राम करना है उसमें हम झंडियां लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाली है ना। बिल्कुल, हमारा जिस दिन नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है उसके एक दिन के बाद यानी संडे के बाद मंडे को आएगा 14 अगस्त। यस, तो हम तो फुलझड़ियां भी लाएंगे और कैंडल्स भी लाएंगे और झंडियां मैं खुद, आपको पता है मेरे घर में मोटा धागा पड़ा ना, मोटे धागे का गोला, हाँ। तो मैं खुली वाली झंडियां लाती हूँ, फिर वो मेरी अम्मी ना आटे की लई बना के मुझे देती है, तो फिर मैं वो उसके साथ चिपका के ना ऐसे एक कील उस दीवार पे लगाती हूँ, एक कील उस दीवार पे लगाती हूँ, फिर उसमें धागा बांधती हूँ, फिर उसमें झंडियाँ चिपकाती हूँ, फिर वो सूख जाती हैं, फिर मैं उसको बाहर लगा देती हूँ। अच्छा ये मुझे बताएं बतूता, आप किस जमाने में जो लई लगा के आप बनी बनाई झंडियाँ मिल जाती हैं? लेकिन इसका मजा आता है ना मुझे, आप ही मैं खुद क्रिएट करती हूँ। अच्छा ये अच्छी बात है, खुद भी क्रिएट, और ये कि झंडियाँ लगाने के बाद और परचम लगाने के बाद प्लीज उनका उतनी रिस्पेक्ट करके उनको वापस भी रखा करें। सो हम पहले अब दिखाना है आपको द प्रेजेंट यानी शॉर्ट फिल्म दिखानी है, द प्रेजेंट यानी तोहफा, लेकिन उससे पहले हमें एक पाकिस्तान के लिए पहले से ही गाना गाते हैं, 1 2 3। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ, और हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये। अब चल के देखते हैं शॉर्ट फिल्म द प्रेजेंट यानी तोहफा। सो 1 2 3 लेट्स गो।
ओके वेलकम बैक। आप देख रहे हैं केटू सार बच्चों की दुनिया, और आज आपने देखा अभी जाके बहुत जबरदस्त जो शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था द प्रेजेंट यानी तोहफा। कैसी लगी आपको? कितनी अच्छी, इसके अंदर भी मैसेज था आपको पता, वो देखे ना, वो बेचारा लड़का चल नहीं सकता तो वो डिप्रेशन में आके सारा दिन घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेल खेल के और डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसकी मम्मी उसको छोटा सा पेट डॉग ला के देती है, फिर वो उसके साथ गार्डन में जाता है, एंजॉय करता है, रिलैक्स होता है, कितना उसकी लाइफ में चेंज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जितने वालदैन देख रहे हैं उनको मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी, बल्कि मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो, आप जो ये छोटे बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं इस तरह करके, वो सारा वक्त ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं, तो अभी एक स्टडी आई जिसमें एक छोटे बच्चे से, वो कोई मे बी होगा 4-5 साल का बच्चा था, उससे उसके माँ बाप ने फ़ोन ले लिया, उसको इतना डिप्रेशन हुआ कि वो उसकी वीडियो मैंने वायरल होती हुई देखी इस पर ऐप्स के ऊपर इंस्टाग्राम और उस पर, कि वो बच्चा जो है इस तरह करके लेटा हुआ है, सो रहा है, और सोते में उसका हाथ इस तरह है और वो रोता जा रहा है और ऐसे ऐसे करता जा रहा है, ऐसे ऐसे यानी कि स्क्रॉल कर रहा है वो। तो प्लीज़ अब ये बहुत बुरी एडिक्शन है बच्चों को अपना टाइम पास करने के लिए, जितने वालदैन देख रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए कि जी मेरी दोस्त आई हुई है तो बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या खाना पका रही हूँ बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, आप उसको कोई ब्लॉक्स दे दें, आप उसको कोई और खेलने की चीज़ दे दें बजाय फ़ोन पकड़ाते हैं जिससे वो स्क्रॉल कर रहा है, और जब आप उससे वो चीज़ लेंगे तो उसकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सोचे वो बच्चा कांप रहा था, रो रहा था, सो भी रहा था लेकिन उसका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था, तो ये साइकोलॉजिकल बीमारियों का नतीजा भी होगा आगे जाके। तो बताएं आप, आपको कितनी ज़्यादा फ़ोन मिलता है पद्दूता? मुझे तो फोन देता ही नहीं अम्मी अबू, वो तो बस सैटरडे वाले दिन जब हमारा शो होता है वो देखते हैं हम, तो उसके बाद फिर मैं घर जाती हूँ, और फिर उसके बाद हम रात को पॉपकॉर्न बनाते हैं घर पे, और फिर हम वो सैटरडे नाइट वाली मूवी देखते हैं बैठ के सारे इकट्ठे, और उसके बाद हम जल्दी सो जाते हैं, बस फोन तो नहीं देते। अब देखे ना, फोन देने का मतलब ये कि आप बच्चों को वो कर रहे हैं, इम्यून कर रहे हैं कि भाई आप जो है ये बस, उसको यही पता है कि मेरे पास फ़ोन है, उसमें वो कहीं भी जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी साइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पाकिस्तान में, कहीं भी बच्चा जा सकता है, तो आप उसके जहन पे जो असर होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं है। सो बड़ी अच्छी बात है बतूता, आपने बताया कि आपकी अम्मी अब्बू आपको फ़ोन नहीं देते, दैट्स वंडरफुल। सो अब हमने आज की जो वीकेंड मूवी जो हमने आज सेलेक्ट की है बच्चों के लिए, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत जबरदस्त वाली मूवी है, इसके अंदर हमें बहुत सारे एनिमल्स नजर आने वाले हैं, एनिमल्स, और इसका नाम ही क्या है देखिए, ज़ूटोपिया। ज़ूटोपिया, यूटोपिया होता है एक फर्जी दुनिया जो है ना, फिक्टिशियस जो एक दुनिया है उसको यूटोपिया कहते हैं, लेकिन ये ज़ूटोपिया है, यानी क्या है, जानवरों की फर्जी दुनिया, जानवरों की फर्जी दुनिया। ओह माय गॉड, बड़ा मजा आएगा है ना। और नजमा से आज मैंने पूछना है, नजमा आपने मेरा मेकअप आज इतना लाइट क्यों किया? इसलिए लाइट किया बिकॉज़ बच्चों का प्रोग्राम है। अच्छा, इसलिए नजमा मेरे साथ है यहाँ पे, नजमा अभी डाइव मारेंगी पानी के अंदर, ये बहुत प्यारी नजमा है मेरी प्यारी सी, लेकिन हमने चल के देखनी है ज़ूटोपिया, ताकि आप लोग बच्चों को ये फिल्म दिखाएं। सो 1 2 3 चलो भी, चलो चल के देखो ज़ूटोपिया की नजमा, लेट्स गो। वेलकम बैक, वी आर बैक। सो बच्चों, आपने हमें ज़रूर बताना है, हमारे जो K2 TV का पेज है ऑन ये आपका फेसबुक, K2 TV KY2 टाइप करेंगे तो फेसबुक पे आ जाएगा, उस पर आपने बताना है कि आपको हमारा शो जो है K2 सार बच्चों की दुनिया वो कैसा लग रहा है। इसी तरीके से K2 TV ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा जो पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम इज़ ऑन ट्विटर, ट्विटर पे भी जाके KAY2 टाइप करें तो वहाँ पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। सो मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन मज़े के बाद सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो है खुदाफिज़ कहना, ऐसे लग रहा है कि चलता जा रहा है प्रोग्राम और उसके बाद हमने आपको कहना होता है खुदाफिज़ और टाइम ख़त्म हो जाता है ना भाई, टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है बतूता, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हालांकि मैंने सुबह सुबह घड़ी के साल भी निकाल दिए थे कि टाइम रुकते हैं, लेकिन टाइम रुकता ही नहीं है, टाइम किसी के लिए? सो बच्चों, टाइम वेस्ट ना किया करें, टाइम एक चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकती, ट्रेन रुक जाएगी, जहाज़ रुक जाएगा, चीज़ें रुक जाएंगी, आपके काम रुक जाएंगे, टाइम चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम ज़ाया ना करें, जितने वालदैन देख रहे हैं वो भी टाइम ज़ाया ना करें, छोटी सी लाइफ मिलती है, एकदम से पलक झपकते में गुजरती है, सो बी क्रिएटिव एंड बी यूजफुल टू द सोसाइटी।
सोसाइटी के हवाले से आप, मैंने सुना था आप कुछ काम भी कर रही हैं बतूता। हाँ, सोसाइटी के हवाले से, देखिए बच्चों में अवेयरनेस के हवाले से आप अपने मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको बताती हैं कि भाई सफाई कैसे रखनी है, कचरा नहीं फेंकना, जानवरों से जुल्म नहीं करना, ये करती नहीं आप? हाँ, ये तो मैं रेगुलरली रनिंग के बाकायदगी के साथ करती हूँ। और मैं ये जितने भी अपने दोस्त हैं ना, मेरे स्कूल के जितनी फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि आप जाके अपने घर पे जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनको ये चीज़ें बताया करें। पता है आपको मिशी आपी, अब तो मौसम वैसे ही इतना गर्म है, मेरे घर पे छोटी छोटी तो प्यारी प्यारी कीटन्स हैं, उनको मैं रोज ऐसे खाना डालती हूँ, इतने प्यार से फिर आके खाना खा के चुप करके तंग भी नहीं करती और वापस चली जाती हैं और कुछ भी नहीं कहती है ना, तो मुझे भी स्वाद मिल जाता है और उनकी भी भूख खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से आप लोग भी बच्चों अपने जो बड़े बच्चे हैं जो कि 15-16 के हैं या उनके छोटे बहन भाई हैं, उनको आप अवेयर किया करें कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है अब जहाँ पे वो कहते हैं ना गर्मी पड़ेगी वहाँ पे अब बॉयलिंग चीज़ें हुआ करेंगी। इस दफ़ा आपने देखा कितनी गर्मी पड़ी है, तो सोचें जब हम कचरा फेंकते हैं, जब हम दरख्त काटते हैं, जब हम पौधे को पानी देते वो सूख जाते हैं, तो एनवायरनमेंट पे कितना बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का, देखा आपने? हाँ, कितनी ज़्यादा हीट होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो आप क्या कहती हैं मिशी आपी, ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग, और अब जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो वेदर अपडेट है कि अब गर्मी वार्म नहीं हुआ करेगा, बॉयलिंग हुआ करेगा, बॉयल किया करेगा, कुछ जगह जो है ना वो इतनी गर्मी वहाँ पड़ेगी कि वहाँ पे बॉयलिंग हो जाएगी, लोगों की भी बॉयलिंग। यानी कि हम अंडा लेते लेते जाएंगे तो रस्ते में फ्राई हो जाएगा? नहीं, रस्ते में आप किसी के सर पे अंडा डालेंगे तो वो सर पे फ्राई हो जाएगा, सोचिए। सो थैंक यू सो मच बतूता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, एंड इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपसे तो मेरी अभी कल मुलाकात होगी, हमने पार्क जाना है, लेकिन बच्चों से हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सैटरडे वाले दिन। लेकिन आज का शो आपने रिपीट में कल यानी संडे वाले दिन दोपहर को 3 बजे हमारा शो आएगा, सो देखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का, टीम का, सबका, और बतूता आपका भी वंस अगेन शुक्रिया। थैंक यू मिशी आपी, बड़ा मजा आएगा कल दोबारा जब हम अपने शो रिपीट में देखेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, और ये जो गाना है रंगों में जब रंग मिले, इसमें मैं भी हूँ। हाँ, ये अंकल सजाद अली है ना, वो आए थे ना हमारे वहाँ पे गाँव में, तो उसमें आप भी थी, सारे थे, बड़ा मिलके इन्होंने एंजॉय किया, पेंटिंग कर रहे थे, स्केचिंग कर रहे थे और कलर कर रहे थे। अच्छा, ये वो सिमसिम हमारा है? यस, सिमसिम हमारा। बच्चों वेरी नाइस, सिमसिम हमारा मैंने किया था, सेसमी स्ट्रीट का उर्दू वर्जन पाकिस्तान में हुआ था, और ये उसी की एक कड़ी है, उसी का एक सॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया था। आप ही की सारी पपेट फैमिली थी हमारी? सारे मेरे नान के दाद के ना सारे वहाँ पे थे। सो थैंक यू वंस अगेन बच्चों, आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आपको छोड़े जा रहे हैं रंगों में जब रंग मिलें, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, सॉरी हफ्ते वाले सैटरडे मॉर्निंग 9:30 से 11 बजे तक। लेकिन आज का शो कल रिपीट में 3 बजे यानी इतवार वाले दिन देखना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, एक हम सेल्फी भी बना लें जाते जाते। सेल्फी इज इम्पोर्टेंट। चलें जी, ओके, स्माइल, एक सेकेंड, वेरी नाइस, थैंक यू, जबरदस्त, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो बच्चों जल के देखें गाना रंगों में जब रंग मिलें, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते सैटरडे वाले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।